नहीं, कोई ऐसा बड़ा काम आज भी मैं चैलेंज करता हूं, पांच काम गिना दे वो, कोई ऐसा काम तो उन्होंने किया नहीं सवाय अपनी नेतागिरी के, और कुछ किया नहीं तो उन्होंने पांच कोई काम। आप ही बड़ा पांच काम बता दे। हम तो कह रहे हैं ना कि हमने पांच काम गिना देते हैं। डंपिंग ग्राउंड खरीद दिया हमने, कम्युनिटी हॉल को ऑडिटोरियम में बदल दिया हमने, हमने डिवाइडर हमने कर दिया, हमने सेल्फी पॉइंट बना दिया, हमने शहर में बहुत ज्यादा ड्रेनेज वगैरह के सिस्टम बनाए। ये वो है बकवास करते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है, ये साबित कर देंगे क्या ये बकवास है और कुछ नहीं है। ये अगर 36 करोड़ रुपया अगर रखे रहते तो क्या इनका निकम्मापन ही कहा जाएगा कि इन्होंने, इनके पीरियड में मांगा जा रहा था सईदी रोड के लिए पैसा, तो इन्होंने क्यों नहीं दे दिया, इन्होंने डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं खरीद लिया, तो ये क्यों पैसा रोक के रखे थे। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि कोई कूड़ा प्रबंधन के लिए जमीन खरीदते या कहाँ कूड़ा गिरेगा। उन्होंने अगर उस समय खरीदा होता तो आज ये इतनी दिक्कत ना होती, कर्मचारियों का पीएफ का पैसा बाकी ना लगाए होते, कर्मचारियों का ग्रेजुएटी है, कर्मचारियों का रिटायरमेंट का पैसा वो सारा बाकी लगा के रखे थे, उसका सारा भुगतान हमने करीब करीब कर दिया है, एरियर था एरियर का भुगतान कर दिया है। नाजरीन आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी, आदाब। नाजरीन, इन दिनों मऊ शहर में सेल्फी पॉइंट को लेके बहुत गुफ्तगू हो रही है, बहस मुबहसे हो रहे हैं और नया साल जस्ट आना ही है, यानी कल से आपको नया साल शुरू हो जाएगा। 12 बजे रात से लोग नए साल का विश देना शुरू कर देंगे। सेल्फी पॉइंट की क्या हकीकत है, कितनी खूबसूरती है, और मऊ में डेवलपमेंट हो चाहे काम को लेके उसकी तनकीद हो रही हो, इन सब मुद्दों पे हम शहर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी से बात करने के लिए आए हैं और आपको सीधे चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी से जोड़ते हैं और पूछते हैं कि चेयरमैन साहब, नया साल कल से शुरू हो रहा है और सेल्फी पॉइंट एक बहुत बड़ा मौजू बना है बहस का, तो सेल्फी पॉइंट ऐसा क्या आपने बना दिया है जो आज हर मऊ के बच्चों के जबान पे सेल्फी पॉइंट है? नया साल की आमद है और नए साल के आमद 2023 की आमद पर अपनी तरफ से, पालिया परिवार की तरफ से अपने सभी शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। सेल्फी पॉइंट का जहाँ तक ताल्लुक है, शहर की हर शहर की एक शान होती है, तो हमने शहर की शान को बढ़ाने के लिए शहर में कम्युनिटी हॉल का ऑडिटोरियम में तब्दील किया, डिवाइडर पे लाइट लगाने का काम किया, डिवाइडर बनवाने का काम किया, उसी तरह से हमने सेल्फी पॉइंट बनवाया। सेल्फी पॉइंट आई लव हमारा मऊ के नाम से, जो टिकुलिया घाट के पास और बलिया रोड चौराहा से बलिया को जाने वाला ये जो चौक है उससे होकर के, उस तिराहे से होकर के बीच में रास्ते में पड़ता है। काफ़ी लोगों ने इसको एंजॉय कर रहे हैं और आज जन जनता को समर्पित होने जा रहा है। उसी तरह बच्चों का पार्क फातिमा गेट के सामने बच्चों का पार्क बनने जा रहा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुलभ शौचालय भी बना है। ये सब नागरिक सुविधाएं हैं जो हम दे रहे हैं। उसके अलावा हमारा कम्युनिटी हॉल जो पहले एक हॉल था और अब ऑडिटोरियम बहुत शानदार बन गया है और बहुत जल्दी जनता को समर्पित हो जाएगा। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बार बार ये देखा जाता है सोशल मीडिया पे, ये कहा जाता है कि सेल्फी पॉइंट का प्रचार किया जाता है, सेल्फी पॉइंट की बात कही जाती है, और वहीं जो शहर के अंदर गलियां हैं, गलियों के अंदर साफ सफाई नहीं है, कूड़े का बहुत अच्छा नज्म नहीं है, क्या कहेंगे, क्या ये आप हकीकत है? देखेंगे कि हमने जहाँ पे कूड़े के ढेर थे सब कूड़े को हटा करके
साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, और सफाई व्यवस्था पहले से बहुत दुरुस्त हुई है, आबादियां बढ़ी हैं, और आबादियों के बढ़े के गार्बेज ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी हमने बहुत कुछ किया। चुनौतियां बहुत हैं, और हमने कूड़ा प्रबंधन के लिए जो इधर उधर कूड़ा फेंके जा रहा था नदी के किनारे या इधर उधर खाली जगहों पे फेंका जा रहा था, अब वो कूड़ा सीधे डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाएगा। अब तक नगर पालिका ने डंपिंग ग्राउंड के लिए पहले कार्यकाल में हमने 5.5 बीघा हमने परधा में ज़मीन खरीदी थी, और इस मरतबा हमने 15 बीघा ज़मीन रैनी में ख़रीदी गई है, जो वहाँ पे कूड़ा डंपिंग होगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कूड़ा प्रबंधन का सारा काम, उसको खाद बनाने का काम। तो ये बहुत बड़ी मऊ के लिए सौगात है, और इससे हमारी रैंकिंग भी अच्छी होगी, और ये मऊ के लिए बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, एक तरफ आपने ये भी कहा कि हम अगर कूड़ा जो प्रबंधन के लिए ज़मीन अगर अरशद जमाल खरीदे होते तो शायद हमको इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता। ये सही बात है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि कोई कूड़ा प्रबंधन के लिए ज़मीन खरीदते या कहाँ कूड़ा गिरेगा। उन्होंने अगर उस समय ख़रीदा होता तो आज ये इतनी दिक्कत ना होती, कर्मचारियों का पीएफ का पैसा बाकी ना लगाए होते, कर्मचारियों का ग्रेजुएटी है, कर्मचारियों का रिटायरमेंट का पैसा वो सारा बाकी लगा के रखे थे, उसका सारा भुगतान हमने करीब करीब कर दिया है, एरियर था एरियर का भुगतान कर दिया है। और ये अरशद जमाल के टाइम, मतलब साइना जमाल के टाइम का ये बकाया था जो आप बात कर रहे हैं कि उसकी अदायगी आपने की है? जी जी, उनके समय का बकाया था, ये सब हमने किया है और अभी जारी है, और हमने नगर पालिका में जितने उस तरह के बकाए थे कर्मचारियों के वो सब हमने धीरे धीरे अदा कर दिए हैं। लेकिन अरशद जमाल तो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमने 36 करोड़ रुपया नगर पालिका में छोड़ा था, और चेयरमैन इस वक्त जाने के टाइम है, आखिरी टाइम है, और काम इतना ज़्यादा करा दिए कि लोगों की अदायगी कैसे होगी नगर पालिका पे, ये तो बोझ है। बकवास करते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है, ये साबित कर देंगे क्या, ये बकवास है और कुछ नहीं है। ये अगर 36 करोड़ रुपया अगर रखे रहते तो क्या इनका निकम्मापन ही कहा जाएगा कि इन्होंने इनके पीरियड में मांगा जा रहा था सईदी रोड के लिए पैसा, तो इन्होंने क्यों नहीं दे दिया, इन्होंने डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं खरीद लिया, तो ये क्यों पैसा रोक के रखे थे, ये भी एक सवाल है ना कि इनको पैसा यूटिलाइज करना नहीं आता था, नहीं कर पाए ये, मगर ये सब झूठी बातें हैं, ये सब बकवास की बात। नहीं, बात तो आती है कि जहाँ डेवलपमेंट की बात आती है वहाँ तो ये पालकी का नाम नहीं आता, और खुद को अरशद जमाल बार बार या उनके मानने वाले कहते हैं कि छोटा कल्पना अरशद जमाल, और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो क्या हकीकत? अगर उन्होंने किया होता तो 5 काम गिना देते, जनता से कहते हैं तो पुल गिनाते हैं कि पुल हमने सेतु निगम ने बनाया, तो उनके पास कोई है नहीं कोई ऐसा बड़ा काम, आज ही मैं चैलेंज करता हूँ 5 काम गिना दे, कोई ऐसा काम तो उन्होंने किया नहीं सवाय अपनी नेतागिरी की, और कुछ किया नहीं उन्होंने। 5 काम आप ही बड़ा 5 काम बता दे। हम तो कह रहे हैं ना कि हमने 5 काम गिना देते हैं, डंपिंग ग्राउंड खरीद दिया, हमने कम्युनिटी हॉल को ऑडिटोरियम में बदल दिया, हमने डिवाइडर हमने कर दिया, हमने सेल्फी पॉइंट बना दिया, हमने शहर में बहुत ज़्यादा ड्रेनेज वगैरह के सिस्टम बनाए, हमने यहाँ पे जितने रोड थे रोड को कितना गिनाए, जो आप कह दें रोड मैं कहिए तो गिना दूँ कि मिर्जा हादीपुरा से फाटक तक रोड हम ही ने बनवाया, फातमा ये नुमानी स्कूल के बगल का रोड, ये नुमानी गेट वाला रोड, हमीदपुरा का रोड, रामपुर चकिया का रोड, और फिर उसके बाद आप चले जाएं सेल्टेक्स का रोड, ये चले जाएं शीतला माता मंदिर वाला रोड, ये चले जाएं डानवास्को वाला रोड, फिर उसके बाद चले जाएं सेल्टेक्स के पीछे चले जाएं हयात सेंटर से देवपरवा का रोड, ये सब हमने बनवाया, फिर उसके बाद वहाँ से लेके आरटीओ ऑफिस तक का रोड, जो नया आरटीओ ऑफिस रोड बनवाया आपने, बहुत बेतहाशा हाँ। रोड बनवाया, लेकिन रोड के काम की क्वालिटी को लेके बार बार बिल्कुल क्वालिटी अच्छी है, बिल्कुल क्वालिटी अच्छी है,
ये सिर्फ इल्जाम लगाते हैं ना, ये कुछ नहीं करते। इनका रोड खीरी बाग में जो बना था, जो पहाड़पुरा में 2017 के रिकॉर्ड में है कि इनका बना था और एक साल के अंदर उड़ गया, ये बकवास करते हैं। तो कि हमारे टाइम में बना था लेकिन 10 साल तक चलता था। 10 साल कैसे, 2017 के शुरू में इनका रोड बना था, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये चैलेंज मैं करता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड है, 17 के शुरू में बना था। वो कहते हैं 13 में बना था। ये झूठ का पुलिंदा लिए हुए हैं, हर बात को झूठ बोल करके गुमराह जनता को करते हैं। अभी आपने बताया कि जैसे मतलूपुर मोड़ से लेके गाजीपुर तिराहे तक की जो डिवाइडर पे लाइटिंग लगाने का टेंडर कर दिया है, 2 करोड़ रुपया उसका सैंक्शन भी हो गया है, क्या? हाँ, ये सही बात है कि मैं हकीकतपुरा से और आजमगढ़ तिराहे तक ये सब लाइटें लगेंगी और हमने ये शहर को सौगात देने जा रहे हैं, ये सही है। फिर जादीपुरा में तो चौक बनने जा रहा है, ये भी सही है। तो इन्होंने कोई चौक बनाया हो तो बता दें, हमने तो बंधे पे एक छोटा सा चौक बना दिया, सेल्फी पॉइंट बना दिया, मिर्दादीपुरा बना दिया, ये तिरंगा चौक बन गया, वहाँ फाटक पे बन गया, और हमारा आजमगढ़ तिराहे पर भी बनने वाला है। एक सवाल और होता है कि बार बार ये कहा जाता है, आपने कहा कि 40-45 ट्यूबवेल लगाए छोटे बड़े, हाँ, और 4 ओवरहेड टैंक, लेकिन उस पर आवाज ये उठती है कि ये तो मैक्सिमम काम जल निगम की तरफ से हुए। जल निगम का अर्धाई संता है, अमृत योजना में जो अमृत योजना होती है वो नगर निकाय के नाम से होती है, और पहले जो पैसा हमने पिछले कार्यकाल में वो सीधे नगर पालिका को पैसा मिलता था, उसके बाद फिर डायरेक्ट अमृत योजना चालू हुई तो उसके बाद सीधे जल निगम कार्यदायी संस्था को जाने लगा, और कार्यदायी संस्था काम पूरा करके नगर पालिका को सौंपती है, तो ये नगर पालिका का ही काम कहा जाएगा। प्रोजेक्ट सारा नगर पालिका ही बनवाती है और पैसे की डिमांड करती है, मगर कार्यदायी संस्था जल निगम होती है, इसलिए जल निगम को पैसा मिलता है। आपने बताया कि मतलब ये जो रजनिया है और अली नगर का इलाका है जो अंधेरे में था काफी दिनों तक, और उस पर पूरी हमने लाइट लगवा दी। रजनिया नहीं, आप मिर्जादीपुरा से रामपुर चकिया अछार चले जाएंगे तो यहाँ से लाइटें मिलेंगी आपको, पूरा इसी तरह से लाइटें नहीं लगी हुई थी, नहीं थी ना, नहीं थी। और इसी तरह आप चले जाएंगे यहाँ पे सलाहाबाद से आप चले जाएंगे रजनिया, ये पूरी लाइट मिलेगी। आप बकवल रोड पे चले जाएंगे वहाँ मिलेगी, आप बिल रोड पे चले जाएंगे तो वहाँ मिलेगी। किस रोड पे नहीं हमने लाइट दिया, बीटी में आपको मिलेगी, मुसरदा वाली रोड पे मिलेगी आपको, बकवल के रोड पे मिलेगी आपको, आपको हर जगह लाइट मिलेगी सर। आप हर जगह काम करने की बात करते हैं, दावा करते हैं, हाँ, और रिकॉर्ड बताने की बात करते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या सबब है, क्या ऐसी वजह है कि आपके ऊपर नजरियाती तौर पे काम करने का इल्जाम लगता है कि फाटक उस पार आप नहीं करते, फाटक इस पार काम करते हैं? नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हमने जितना इधर किया है उससे जो नए इलाके हैं वहाँ पे ज्यादा हुआ, ये सही बात है कि जो नए इलाके हैं जो कच्चे काम थे वहाँ पे ज्यादा हुए, तो ये सही है। इमलिया में आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा काम हुआ है। इमलिया में बहुत ज्यादा काम हुआ है, कौन सा वार्ड ऐसा है जहाँ काम नहीं हुआ, हर वार्डों में अनगिनत काम हुए, नाले की जल निकासी का हुआ, लाइट का हुआ, या वहाँ पे रास्ता निर्माण का हुआ, वो सारे काम हुए। क्या तैयब पालकी अगर रिकॉर्ड कायम करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करके फिर चेयरमैन बनते हैं, तो क्या आवाम के लिए इससे बेहतर सहूलियत देंगे? या हाँ, हमारे बहुत से मंसूबे हैं कि शहर को नई सौगात दी जाए और नई को एक नई दिशा दी जाए। 5 साल के बाद हमें बहुत सी अभी ज़रूरतें हैं, और महसूस किया जा रहा है कि अगर मैं रहूँ तो मैं वो सब काम कर सकता हूँ। एक तो हमारे नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए कम्प्लेक्स वगैरह बनाने हैं, जो आजमगढ़ तिराहे पे है, वो एक मेरा सपना है, ख्वाब है कि उसको हम बनाएं। हम पहाड़पुरा ईदगाह का जो मैदान है, जो पार्क का मैदान है, उसको हम चाहते हैं कि वो खूब सुंदर हो जाए, और मैं उसको पूरा लाइट वगैरह से उसको सुंदरीकरण करूँगा। हाँ, आप इस बात का जिक्र कर दिए, लेकिन उसी रोड पे जो रोड के ऊपर इंटरलॉकिंग लगा दी गई है और कहा जा रहा है
कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोड के ऊपर इंटरलॉकिंग लगा दी गई, क्या हकीकत है? ये जल जमाव होता है वहाँ पे, वो सही है, और हमारा जो इंजीनियर जो एक्सपर्ट है वो कहता है, उनसे सलाह लेकर के काम होता है, समझ रहे हैं? और उसके लग जाने से वो जल जमाव और रोड़े की बीमारी को खत्म हो गई। जहाँ पे तारकोल होते हैं, पानी लगता है, वहाँ तो खत्म हो जाती है सड़क पे। इसके अलावा हमारे मंसूबे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिका की आय बढ़ाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ भी छूटी ज़मीनें हमारे हैं, प्लाट हैं, वहाँ पर कम्प्लेक्स बनाएं, जिससे कि लोगों को रोजगार अवसर भी मिले, दुकानें बने, और जहाँ पर शादी घर बन सकते हैं वहाँ पर शादी घर बनाएं, वहाँ पर लोगों को बैठने की जगह हो, तो जो सड़कों पर ना बैठें बल्कि पार्कों में बैठें, मैं इस तरह का चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर मोहल्ले कुछ लाइब्रेरी हो, उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि हर मोहल्ले हो। और मैं चाहूंगा कि अब तक सीवरेज सिस्टम नहीं हुआ है तो मऊ शहर में सीवरेज सिस्टम आ जाए, तो ये ज़रूरी है सीवरेज सिस्टम के, कि पेयजल का काम पूरा होने के बाद ही सीवरेज का पैसा मिलता है। तो अब मैं उस लाइन पर आ गया हूँ कि मऊ को सीवरेज दिया जाए और ये ड्रेनेज से ख़त्म करके सीवरेज पर लाया जाए। एक बात आपने कही लाइब्रेरी की, मऊ अदीबों का शहर, साहित्यकारों का शहर, लेकिन एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, ये आपकी एक पहल है, लेकिन इतना ताखिर क्यों इसमें? नहीं, ये इसके लिए हम कोशिश करेंगे, वो चीज़ें जो रह गई हैं उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। बाकी हमने जो भी वादे किए थे करीब करीब हमने पूरा कर दिया है, और मैं चाहता हूँ कि शहर में शादी पर भी हम बनवाने का एक ख्वाब है, अपना सपना है कि हम इधर इस साइड में भी हम एक कम्युनिटी हॉल बनवाएं, ताकि लोग ऑडिटोरियम बनवाएं, ताकि लोग अपने कार्यक्रम कर सकें। नागरिक सुविधाओं के सिलसिले में हमारा एक अपना ख्वाब है कि मैं, मुझे मौका और मिलता है तो मैं शहर में सिटी बस चलाने का काम पूरा करूँगा। और सिटी बस जैसे स्कूल में बच्चियाँ और बच्चे स्कूल जाते हैं, रेलवे स्टेशन है, कचहरी है, इस तरह जहाँ पर कोई ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है वहाँ पर हम सिटी बस चलाने के लिए अगले टर्म में काम करेंगे। ये नागरिक सुविधाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ख्वाब तो बहुत सारे हैं चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी के, लेकिन क्या आप आवाम के ऊपर ये फैसला है कि आवाम क्या चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी को दोबारा मौका देते हैं या तब्दीली चाहते हैं, ये तो चुनाव ही तय करेगा, लेकिन इनके जो अजायम है कि शहर को एक मजबूत और एक खूबसूरत और बेहतरीन बनाया जाए, तो इस अजायम के साथ हम आपको यहीं पे छोड़े चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे हम आपको इसी तरीके से लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।